दो छोरे दो बहू दो मेरा तो सही क्या टाई मेरा तो वोट कदे भी नहीं होया क्यों क्योंकि मेरा बने आई कुछ मेरा नाम दुनिया मेरा नाम जड़े मिर्जा से देगा उड़े दूंगा जिसका जी करेगा उसके जाएंगे जकर जा माफ करेगा जी जाएंगे माम तो इसके तो गांव और सोलह में किसका के मोल चल रही है इलेक्शन में भाई वो तो शो बता मैं भी आम पार्टी वाला का क्या था अभी आज डायला भी पुराना लीडर रहे ले जाएगा पांच सौ वोट ले जाएगा ले जाएगा खड़े अच्छा जिंदल है जिंदल का कोई पता नहीं ना इनका बराबर भी पहुंच जाएगा ना बराबर पहुंचा हाल में तो भी क्यों उसके वोट मड़े गुप्ती हूँ राजनीति की वोट हाँ जी के कुछ मोल लग गया आम पार्टी मोल है जी आम पार्टी का हाँ कारण कारण के कांग्रेस तो तंग हो रही है ज्यादा पहला ही पार्टी का दम नहीं रहा अगर आम पाल का मेलियम तो रहा था पूरा हाँ जी सर आम पार्टी का भाई सारा मोल और बीजेपी तो लोग पहले जुगे भाई 15 लाख डलेंगे खाता में बड़ा नोटबंदी में सारा कड़े तो वह पीछे गए कड़े में कुछ गया इब लोग इस तरह परेशान हो रहे हैं हर जगह लोग तो परेशान होए और बड़े आदमी ने हारा फायदा होया जो आम आदमी ने धक्के खाने पड़े हैं इसने तो आम पार्टी का ज़्यादा जोर होगा अब चौटाला कैसा है आगे MLA वाला इलेक्शन में तो पूरी पूरी उम्मीद है उसकी आने की ईब तो अपना कुछ परसेंटेज जाएंगे उस पर रामपाल माजरा करके जाएंगे कुछ परसेंटेज आने वाली पार्टी में रामपाल माजरा को भी बल्कि ज़्यादा वोट मिलेंगे जी सर भाई वोट तो देने जीक रहा है अभी अच्छा टहला था फिर बनेंगे बना रखो नहीं हम वोट तो जाएंगे आम पार्टी का रामपाल माजरा MLA में रामपाल माजरा गया जी भाई साहब भाई आप अपने बड़े रूपा के ला जरा बुढ़े अपने राज्य आप भी उठे राजी हैं भाई हाँ बीजेपी के हाँ अपने लसने हर जाए भी हो तो बीजेपी तो अभय चौटाला भी कह रहे हैं कि यहाँ प्रभाव रखा अगर अभय चौटाला रखे तो फिर तो प्रभाव तो उनका सरुए तो रहे उरा हमारा सोलह में सरुए तो जीत रही है ताऊ देव लाल का टाइम था बीब को नहीं रोंदी है नहीं बीब टक्कर लेंगे पूरी हाँ हाँ जी भाई साहब नौजवान के कुछ रखेंगे इसका मोल आम आदमी के वोट देंगे भाई वो अभय चौटाला जब कह रहे हैं कि अभय चौटाला फिर अभय चौटाला अगर इतने वोट ले जाएगा तो फिर तो आम आदमी पार्टी पिछड़ेगी ना आम आदमी के देंगे भी हो भाई साहब राम 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 वोट किसके दे आम आदमी पार्टी के दे देंगे किसके देने आपने जड़ा कवा के दे देंगे जिन जो पब्लिक कवेगी हाँ मैं तो इनकी मानो अगर कई दिन से कवा कि नहीं वोट दे दे वोट दे देंगे तो इनका वोट बांट किसके दोगे वोट तो भाई देख लिया भी अच्छा लगता तो नाप दे देंगे तो सुना अभी किसकी सरकार बनाओगे किसने बनाओगे कांग्रेस का जोर सब रहोगे तुम कांग्रेस का अगर चटाल लगा अभी तो रही कर दाऊ को जोर था तो उसका भी बहुत फिर के करा मजबूरी है बेटा तो इनका मजबूरी है मजबूरी है ये मजबूरी होगी मजबूरी हो कोनी भी ठीक रहे गुप्ता नवीन जिंदल अभय चौटाला नवीन जिंदल तो कोला तो रहे दो अभय चौटाला अभय चौटाला भी ले जा कुछ वोट है राम राम जी और सोलह में के कुछ माहौल चल रहा है इलेक्शन का आम आदमी पार्टी जीती भाई हाँ क्या था अभय चौटाला भी तो आए थे भाई अभय चौटाला और पैकुनी पार्ट पड़ती भी क्या अगला गेड़ा बन जाएगा अभी अभी बस जो सब जी करो उस पर
फिर भी के कुछ लग कुछ नहीं लगता अपना आप इन्वर्टर में नहीं भाई ना इन्वर्टर में नहीं भाई अबे ये बड़े बैठे जी भाई साहब आम आदमी पार्टी के दे हैं भाई यू भाई कहता रूस रे कैमरा भी के रे है समस्या के चल रही है सब कहने भाई साइलेंट वोट नहीं होएगा ना फिर बीजेपी का अब ना बीजेपी ना ना इसका कोई चक्कर नहीं है भाई यू कोई चक्कर नहीं है अब तो आजकल तो नहीं है साइलेंट वोट है वो बीजेपी पे ना ऐसा कुछ नहीं है भाई ऐसा कुछ नहीं बीजेपी जीतेगी और बीजेपी की वोट दे भाई यू भाई भी हां जिंदल करके आया बीजेपी करके आया बीजेपी ताई राम राम निके लिख रखा है पर्ची देने पर्ची भी नहीं आई ना पर्ची तो फिर आऊंगी नहीं सरकार याए बनाओगे कि बदल लेंगे कि कुछ कम है बेटा मन तो याए बनती दिख है याए मोदी की अच्छा मन तो बहुत गण है अरे बेटा बहुत गण है तो सात सात दिल था रे कुकर आ रे बता दे मां के यार 16 वाले सरकार सरकार ता ना बेटा खुश कोई नहीं जिम्मेदार अच्छा कितनी दिख रही है दुनिया अरे बेटा ईशा के कंप्यूटर हो गया सारे मोदी भाई मोदी तो टाबर कवा का नहीं भाई मारे बेटे से ओड़े दे भाई देखी जा बहुत गंदी सरकार है देख के राजी को नहीं इसने फिर ताई सरकार ने देगी वोट है दूसरी बनाओगी दे जाएंगे भाई जोन से तमे कहोगे माम क्यों कहोगे और ताई कहोगी बड़ी लगाई कहे करा जोन बड़ी मेन्यू को टब्बर का गल्ला हमें तो टब्बर गल्ला ई की पूछ ले बेटा टब्बर हम की कहवा फिर टब्बर के कहे था भी बड़े बड़े रे तो मर गए अरे दो लड़के है मेरे तो अरे एक यूर वाला भी मर रहा है ताऊ मर रहा अच्छा के बताऊंगी दुखियो कर रहे है के छोरे चाय करने हल हो रहे ताऊ पींदा ही पींदा मर गया मारा तो सारे छरेठ दारू पी मैं भाई एक तो गलत काम यू करे क्या उड़ा बैठन ने जगह दे ले का बैठ जाए गांव की काम में ब्याह करावा गांव की काम में मैं तो मैं खुजा खंगल देख का आई हूँ फिर खुला खाता खोल रखा है यहाँ तक गंदी सरकार है गंदी सरकार रुके मार के क्यों आपू गंदी होगी एक एक हफ्ते तो खान पीन ना दे डेढ़ लाख दे या गंदी है अरे 16 लक्ष ना के कुछ मोल चल रहे अपना भाई ज्ञान का बड़ा ना मैं पर ज्ञान का कोई बारे में पता नहीं क्या था वोट बटा के नहीं मान ना तो ज्ञान का पता ही नहीं इसका वोट दोगे आप वोट तो भी जो परिवार के जाएंगे उन्होंने जाऊंगा मैं तो क्या
ਮਾਰਾ ਕੰਦਰ ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ਨਿਆਪਨ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਆਦ ਲਗ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਏ ਕੋਈ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੰਦੋ ਉਹਨੇ ਚਿੱਟਾਂ ਕੇ ਨਾ ਹੂੰ ਜੋਲ ਬਾਗ ਜਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਈ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੁਛ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੁਛ ਮੋਲ ਦਾ ਰਸੋਲਾ ਮੋਲ ਤੋਂ ਬੇਕਾਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸੋਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਏ ਯਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲਟਣੀ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ ਵੋਟ ਪਾਟ ਕਿਸ ਕੇ ਦੇਓਗੇ ਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿੰਦਲ ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੰਦਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹਾ ਜਿੰਦਲ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੈ ਜਿੰਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਬੇ ਚੁਟਾਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਕੌਣ ਕਾ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਿਆ ਹੋਏ ਕਾ ਦੋ राम राम जी वोट किसके दोगे इनका वोट तो डाट भाई ने भाई हरियाणा आता है या भी देगी ले ज्यादा नहीं मैं घर रखूंगी ये को फिर नहीं राशन कट गया मेरा हां राशन तो कट गया मेरा राशन तो कट गया राशन कट रहे मोदी के ऊपर तो पीछे वो कट रहे मारे मु कहते नहीं आते मोदी ने कटते हैं खेती वाले हां खेती बाड़ी वाले ने अंदर तैयार भी नहीं होगे मारे दो तीन किस्त ले लो करिया अपनी दो किस्त रह गई मारे भी कट रखे बेटा रे बुद्ध के और इवनी बता भी दुआ देगा के वोट वोट तो सारा टपर देगा देंगे सारे बड़े दे देंगे 10 12 दने हैं दो छोरे दो बहू दो हम छह बोकर ना ना गणा के गणा रख के हैं ये बतवा आओ जी वोट जाएंगे नहीं मोदी मोदी राज कर जाके नहीं तो फिर राम राम ताऊ राम राम भाई लक्षणा के कुछ मोल चल रहे है 16 में इतना चल रहे है किसका के मोल करोगे इसका जाड वाला का जाड वाला का हां क्या था अभी चौटाला भी था पुराना तो रखो चौटाला तो चौटाला तो झूठ बोलने लग गया भूल गया तो नवीन जिंदल भी आ रहा नवीन जिंदल भी तो दो बार बन लिया हां तो जाड वाला खड़े थे यार दोबार खै हैं दोबार खै तो नवीन जिंदल हां हां दोबार खै अच्छा कहीं रहना जाए दोगे जी मैं तो जाड वाले के दूंगा देश से नाराज हो रहा जी और भी वोट है अरे जिसके तो कंधा ओड़ दे दिया भाई ना मैं को नहीं किसी के कंधा दे तेरा मन करा ओड़ दे फिर मारा तो मन ओड़े करे झाड़ू वाला भाई अबे तो टालर अबे का तो गढ़ रहा है देवीलाल का तो खड़ा देवीलाल तो जाय लिया देवीलाल तो जाय लिया अच्छा इनका झाड़ू वाला का मौका देखा देखेंगे भाई केजरीवाल के देंगे तो मैं सारे छिक रहे हां छिक लिए हां केजरीवाल के क्या था कि ठीक लिए सारे पुराने पापी आई थी काटांगे नवे ना लियावांगे अच्छा और हां तो मैं केजरीवाल के हैं भी सारे झाड़ू वाले हां ये तो कागज हाथ में रखे सारे दिन यूं तो नहीं होना चाहिए एक तरफा तो एक को सा एक को तरफा हर 16 तो जी हां हां आता हुआ कुछ मन में ना बस नहीं है झाड़ू वाले देंगे भाई झाड़ू वाले के दोगे हां जी सर भाई वोट झाड़ू वाले जाएंगे क्योंकि हमने बीजेपी को देख लिया जो मोदी कहेगा नहीं जुमले बाद आए वो भाई 2 करोड़ नौकरी दूंगा 15-15 लाख खाते में डाल दूंगा आया किसे कुछ ये खाली बकवासबाजी कर रहा 2 करोड़ तो 10 साल में नौकरी दी अरे वो कहता हर साल 2 करोड़ दूंगा ये सारा सौदा इन्हें लिखा दिया सारा सौदा प्राइवेट कर दिया इवे इंडिया ने तो जो रेलवे लाइने बिछाई है गवर्नमेंट ने जमीन खरीदी जमीन या किसानों से और अभी वो रेल चलने लगी इस पर अडानी की ये तो एक उसमें दे रहा है इसको कैसे दे देंगे अच्छा इन्हें देश को बर्बाद कर दिया जी आता हुआ हाँ बस नहीं हुआ है भाई जिंदल के रहे जिंदल भी तो बहुत काम कर किया था ना जिंदल ने नहीं कराया कुछ सारा ना जिंदल ने पता लग नहीं लिया मरेंगे जी भाई अच्छा आता हुआ किसके वोट करोगे इसका आंधे आंधे तो केदर किसके पड़ते हैं क्या था नंबर दर्द नहीं किसी का निशान दर्द नहीं दिखता नहीं मरता नहीं अच्छा बीजेपी के करोगे बीजेपी के तो भी दिन देने को क्या था कौन ही समझ में आ रही भी नहीं का समझ में नहीं आ रही हाँ तो आपका क्या कुछ मन करा है झाड़ू वाला के जाएंगे सारे झाड़ू वाला के अभी चटाला भी तो आया था ना सब ना चुका दिए हाँ पूरा बड़ा मजार दुख मान सुख मान कर दे आगे चाकर भी नहीं जानते उड़ा है और उन फरार टेक के हम यह करांगे वह कराए कोई कुछ नहीं करता हां ये मोदी ने इतने झूठ बोल दिया कोई भी जा सारे तो उड़ा के बैठे हैं दो
सारे झाड़ू वाला के पेट अच्छा काल परसों वहां उरा गुजर का जाय नहीं रहा था बीजेपी वाला का ये तो बीजेपी के हैं आम इनके वोट बस कौन है बीजेपी का अबे और है और के न्यू सोचा भाई ये असल तो कोई आंदी नहीं सीट बीजेपी में शामिल हो गया शाम इसकी नहीं इनकी नहीं आंदी उरा पत्थरी कदे इनका भरोसा हो बस न्यू का अच्छे वोट ले जगह है तो मेरा हुआ सवाल भी नहीं यार रामपाल माजरा करके ना ना खो माजरा माजरा सारा को धक्के खा का चौरे तो सारे झाड़ू वाला के है भी इस गांव में तो क्या अबे चुटाला का गांव रहे और अबे चुटाला का गांव के उसने मोल ले रखा है इनेलो का गढ़ अबे इनेलो गढ़ था फिर पछे के कर गया इनेलो वाला रामपाल माजरा का भी रहे ओल्ड है लोग खोपड़ा नो गांव में कुछ नहीं करया मैं तो खुरता लगाऊं के करया उसने मारा मामलू आए नहीं मारा बाबू को कतल के पास जा टेंपो बोद्दा कर लिया सतपाल पागलों का मर लिया भुला का मेला भाई फिर थी उसका पछे फिर लिया कोकतल के माड़ा का लिया जा चुटाला के रामपाल माजरा पगड़ी बांधे मेरा बाबू ने स्कूल में के कर दिया हम जी मेरे यार कुछ नहीं करने देने गए अपना घर बनाने गए हैं जमान राज पूरे तो झाड़ उड़ा गए है डेढ़ सौ वोट नहीं आंदे अभी अभी आगे तो और आज जी पूछ ली मैंने 180 वोट आ गए हाँ जिंदल पिंदल का तो छोड़ पर झाड़ उड़ा गए तो सारे सारा काम ही बगैर की तरफ हो रहा है कांग्रेस ही हाँ पूरे एक झाड़ू वाला का समर्थन करके झाड़ू वाला का वोट दिया गए चले चटेले पटेले को कांग्रेस ही था फिर तो कांग्रेस में तो कोई नहीं रहा आगे डरदा भी गया मारे उसके थपेड़े दब दब के सावर ने कैंप कुंप तो तेरे लुवाए थे उसने कैंप कुंप तो तेरे लुवाए थे तू तो चौधरी देवीलाल ने थोड़ा काम करया था अगला दिन नाश कर दिया इस बात का के मेरे लाल कांग्रेस में तो कोई नहीं रहा वो जो उठे थोड़ो रंदा नहीं फिर तो बनता इब तो पार्टी बदल गया उसने इब कौन वोट देगा झाड़ू वाला के देवांगे भाई झाड़ू उठा रहे यहाँ पे तो क्या होता है कि रोजगार मिल जाए झाड़ू का ना भाई जिंदल हो जाए लिया कदे भी नहीं आया कोई डनवाण भी नहीं आया जिंदल अब चटाला भी नहीं आया कदे मत बलो जे आवाया कदे नहीं के करें दीपाई हल्का मैं कुछ भी नहीं करें दीपाई हल्का मैं सुहा गुंडा कर दी जाती की जिंदगी जीने लग रही है सर नमस्कार गांव में चुनाव का क्या कुछ माहौल चल रहा है किस चीज का चुनाव लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ देखो ऐसा है जी हम तो इसमें काम में बिजी हैं चुनावी का काम चल रहा है अपना तो बाकी होगा कोई 10-15 दिन में बेले होंगे तो फिर बता देंगे नहीं न्यू तो लगा ना सरकार यही बनानी है बदलनी है ठीक है हमारे लिए सरकार तो ठीक है यही ठीक है हाँ किसी के समर्थन करोगे हाँ जी आप सर क्या कहोगे बिल्कुल ओके बात जो इन्हें कह दी बिल्कुल ओके है बिल्कुल तो क्या कहोगे सर यही ठीक है सरकार गरीब के हक की है गरीब के हक की है या क्या कुछ अच्छा लगा भाई ये चीजें हमारे लिए कंफर्टेबल है इस सरकार में बस 2-3 साल तो परिवार राशन खाने लगे तनख्वाह भी बढ़ा दी बुढ़ापा पेंशन हाँ जी पेंशन भी बढ़ा दी और खाना भी फ्री देने लग रहा राशन भी फ्री दे रहा है हाँ जी और सुधार क्या कुछ अच्छे लगेगा और सुधार जो होने सुधार तो सारे ठीक चल रहे हैं जी हल्की गड़ी कोई गुंडागिर्दी नहीं यार सारे काम बढ़िया हाँ सारे काम बढ़िया है जी नवीन जिंदल भी आए हैं अब इसमें इसमें तो मेरे को पता नहीं इस चीज़ के बारे में तो साहब हाँ जो ड्राइवर है हम तो बाहर ही रहते हैं दिन रात राम राम जी वोट बांट किसके करोगे राम राम जी मसाना बेरा जी दूसरी बदलोगे क्या था के कुछ तंगी होगी तंगी के सारी तंगी है प्रसन्नता जमा ना करो सारा लिया सारा राशन किसके करोगे फिर वोट जिसका जी करेगा उसके जाएंगे जेकर जा माफ करेगा जी जाएंगे माम तो इसके वोट अच्छा नरियाज हो जी हां नरियाज हां माम ठीक फौजी साहब क्या कहोगे कि लोकसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपकी बार मुद्दे तो सबसे बड़ा तो बेरोजगारी का है हैं हमेशा पेपर लीक होते हैं जैसे अभी ग्रुप डी की परीक्षा ली थी 4 चरणों में हुई हैं ABCD 4 शिफ्टों में कोई भी एग्ज़ाम है हमेशा एक शिफ्ट में होना चाहिए
चाहे वो मानते हैं कि भाई 11 लाख कैंडिडेट थे, फिर भी पॉसिबल है। पेपर हमेशा एक होना चाहिए, एक पेपर आसान, एक पेपर टफ, ये तो कोई न्याय नहीं है ना। अब जो कार्य प्रणाली से संतुष्ट हैं या सरकार बदलना चाहिए? सरकार देश हित में हमेशा हर 5 साल में बदलती रही तो अच्छा रहता है। कोई भी सरकार हो, हर 5 साल में मतलब चेंज करनी चाहिए सरकार, जनता ने, जनता के विकास का और देश का विकास के लिए बहुत बढ़िया रहता है जी। भाई साहब क्या कहोगे, क्या कुछ सोचा? कोई इच्छा नहीं, बस भाई सारे ने इलेक्शन में के कुछ माहौल चल रहा जी, आपका वोट किधर जाओगे? आप भी तो केजरीवाल ने। अच्छा, मेरा कांग्रेस में जाएगा भाई साहब। कांग्रेस तो नहीं है, गठबंधन में केजरीवाल से आ रहा है। अच्छा, केजरीवाल को भाई, केजरीवाल पे जाएगा भाई अपना, केजरीवाल को जाओगे भाई साहब? कारण? कारण के देख लिए, मोदी है ही नहीं इसमें कुछ। नवीन जिंदल भी आ रहे हैं यहाँ, 2 बार बन गए, जहाँ पहला आया था के कर गया, वो अभी चौटाला भी खड़े हैं, दो बात नहीं खड़े खड़े रहने दे। कांग्रेस पे, बीजेपी